सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव को सपने में भगवान श्री राम आए हैं। अपने संगठन धर्मनिरपेक्ष सेवा संघ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर तेज प्रताप यादव ने भगवान श्री राम के सपने में आने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि 22 जनवरी को राम जी आएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि 22 तारीख को राम जी नहीं आएंगे, वो मेरे सपने में आए थे। और चारों शंकराचार्य भी यही बात कह रहे हैं। सनातन चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मंदिर आता है, राम जी आगे हो जाते हैं, और फिर चुनाव खत्म हो जाता है, राम जी को पूछ बंद हो जाता है। फिर राम जी कहीं भी जाए, वो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। चार शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे।